नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में। आज अवैध कॉलोनियों को लेकर जो अंधेरी नगरी और चौपट राज्य की व्यवस्था हो रही है उसको लेकर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। मौजूदा समय में जो मामला सामने आया है वो है हरियाणा के करनाल का, जहां गरीब लोगों के आशियाने को जमीन दोष कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन और सरकार द्वारा ये कहकर कि ये अवैध कॉलोनियां हैं, वहां अवैध निर्माण किया जा रहा है। ये व्यवस्था ना केवल हरियाणा बल्कि प्रदेश की है, बल्कि पूरे देश की है, जहां अवैध कॉलोनियों को पहले पनपने दिया जाता है और फिर जब गरीब लोग वहां अपना एक एक पैसा लगाकर आशियाना बनाते हैं, कर्ज लेकर अपना मकान बनाते हैं, तब प्रशासन उसे अवैध कॉलोनियां बताकर उसे जमीन दोष कर देता है। मौजूदा समय में जो करनाल में हो रहा है वो आपने हरियाणा प्रदेश और देश के कई हिस्सों में होता हुआ देखा होगा। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो व्यवस्था अवैध कॉलोनियों को लेकर है, अंधेरी नगरी चौपट राजा की व्यवस्था क्यों है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गरीब लोग जो अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पाई जोड़कर अपना मकान बनाते हैं, या स्थानीय प्रशासन जो कार्रवाई कर उनको गिराने का काम करता है? जब भी कोई अवैध कॉलोनी विकसित की जाती है तो सीधे तौर पर उसके पीछे वहां का प्रशासन, नगर पालिका या जो नगर निगम है उसके अधिकारी प्राथमिक तौर पर जिम्मेदार हैं। वहां के तहसीलदार और SDM जिम्मेदार हैं, क्योंकि अवैध कॉलोनी विकसित करते समय ये लोग कार्यवाही नहीं करते हैं। ये कॉलोनी अवैध रूप से काटी जा रही है, उसकी रजिस्ट्री अब प्लॉटों में की जाती है। SDM और प्रशासन उस वक्त चुप रहता है, लेकिन जब गरीब लोग उस जमीन को खरीद कर अपना मकान बनाते हैं तो प्रशासन कार्रवाई कर उस जमीन को अवैध करार कर देते हैं। मौजूदा समय में जो व्यवस्था करनाल की है उसके लिए जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन और सरकार है। लोगों को समय समय पर मकानों की जरूरत होती है, क्योंकि आबादी भी लगातार बढ़ रही है। लोग मकानों का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन उनके अनुसार सरकार दूसरे रिहायशी मकानों के लिए वैध और रेगुलेट कॉलोनियां होती है, उनको विकसित नहीं करती है। अगर कहीं विकसित करती है तो उनकी कीमतें बहुत ज्यादा होती है और सीधे तौर पर लोगों को अवैध कॉलोनियों के जाल में फंसना पड़ता है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है और नगर पालिका अधिकारी, SDM जो भी हो, जब कॉलोनी काटी जाती है तो उस समय कार्यवाही नहीं करते हैं, लेकिन जब गरीब लोग अपना आशियाना बनाते हैं तो उसको जमीन दोष कर देते हैं। मौजूदा समय में जो व्यवस्था है उसे तब्दील करने की जरूरत है। अगर कहीं कोई अवैध कॉलोनी विकसित होती है तो उसके दौरान जो नुकसान होता है तो वह सीधे तौर पर ये जो अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी है उनसे अर्जाने खर्च की वसूली की जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाए। मौजूदा समय में जो हालात करनाल में हैं वो आपको ना केवल हरियाणा में बल्कि दूसरे शहरों में भी, देश भर में कई हिस्सों में देखने को मिलेंगे। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी रसूखदार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, बल्कि सीधे तौर पर गरीब जनता के ऊपर अत्याचार करता है। ऐसे में हमारी सरकार से मांग है कि जो अवैध कॉलोनियों से संबंधित नियम है उनमें तुरंत प्रभाव से बदलाव किया जाए और जिम्मेदार अधिकारी जो उसे रोकने के लिए है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, हर्जाना वसूला जाए, ना कि गरीब लोगों के आशियाने को जमीन दोष किया जाए। सरकार को इस पर सीधे तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं।